नमस्कार, आज हम 27 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स हल्के सकारात्मक रुख के साथ खुले। बाजार में आज काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। निफ्टी ने 16,942 का निचला स्तर बनाया, लेकिन कम होने के बाद ये वापस उछल गया और 17,000 के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा है। मध्य सत्र के दौरान निफ्टी 17,055 के स्तर पर कारोबार कर रहा था और सेंसेक्स 57,301 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स 3PL सॉल्यूशन प्रदाता और कैश ट्रैप्ड लॉजिस्टिक्स यूनिकॉर्न रिविगो ने सोमवार को घोषणा की कि वह MLL द्वारा RSPL के B2B एक्सप्रेस व्यवसाय की खरीद के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। समझौतों की शर्त के तहत महिंद्रा एक बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट BTA के जरिए एक्सप्रेस बिजनेस का अधिग्रहण करेगा, जिसमें RPSL के B2B एक्सप्रेस बिजनेस के ग्राहक, टीम और संपत्तियां, RSPL का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और रिव्यू ब्रांड शामिल है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स 3PL सॉल्यूशन प्रदाता और कैश ट्रैप्ड लॉजिस्टिक्स यूनिकॉर्न रिविगो ने सोमवार को घोषणा की कि वह MLL द्वारा RSPL के B2B एक्सप्रेस व्यवसाय की खरीद के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। समझौते की शर्त के तहत महिंद्रा एक बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट BTA के जरिए एक्सप्रेस बिजनेस का अधिग्रहण करेगा, जिसमें RPSL के B2B एक्सप्रेस बिजनेस के ग्राहक, टीम और संपत्तियाँ, RSPL का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और रिव्यू ब्रांड शामिल है। फिच रेटिंग्स ने सोमवार को कहा कि राज्य के स्वामित्व वाली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL को चालू वित्त वर्ष में सकल विपणन घाटे का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं को लागत देने में असमर्थ है। रेटिंग एजेंसी ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ BCL पर BBB रेटिंग की पुष्टि की। फिच को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2013 में BPCL को सकल विपणन घाटा होगा, क्योंकि भारतीय तेल विपणन कंपनियां OMC कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा बोझ उठाती है। खुदरा बिक्री पर करों में कटौती के बावजूद उपभोक्ताओं को केवल सीमित वृद्धि ही दी जा रही है। HCL टेक्नोलॉजीज HCL टेक ने सोमवार को अपनी नई ब्रांड पहचान और लोगो लॉन्च किया, जो HCL समूह के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखते हुए एक अलग वैश्विक ब्रांड पहचान को अपनाने का प्रयास करता है। HCL टेक्नोलॉजीज ने एक बयान में कहा कि कंपनी का नया HCL टेक ब्रांड और लोगो इसकी बाजार में जानने की रणनीति के केंद्र में होगा और सेवाओं को और उत्पादों के अपने विभेदित पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करेगा, जो बड़े पैमाने पर उद्यमों के लिए डिजिटल परिवर्तन को सुपरचार्ज करता है। अमारा राजा बैटरीज ने सोमवार को कहा कि उसने व्यवस्था की एक योजना के माध्यम से मंगल इंडस्ट्रीज के बैटरी प्लास्टिक का घटक व्यवसाय को अपने साथ जोड़ने के लिए एक सौदे का प्रस्ताव दिया है। अमारा राजा बैटरीज ने एक बयान में कहा कि इस प्रक्रिया में कंपनी के साथ मंगल इंडस्ट्रीज के प्लास्टिक कंपोनेंट बैटरी कारोबार का अलग होना शामिल है। मंगल इंडस्ट्रीज विशेष रूप से अमारा राजा को प्लास्टिक कंटेनर, कवर, छोटे हिस्से, हैंडल और जार प्रदान करती है, जो बैटरी में उपयोग किए जाते हैं। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को कहा कि अर्ध शहरी और ग्रामीण बाजारों में आई में वृद्धि बैंकिंग उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करती है और एक्सिस बैंक का लक्ष्य देश के क्रेडिट कार्ड बाजार में अधिक हिस्सेदारी हासिल करना है। एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ चौधरी ने यहाँ कहा कि भारत में उपभोक्ता खर्च में तेजी से वृद्धि हो रही है और 2026 तक हर 3 में से 2 लेन देन डिजिटल भुगतान के माध्यम से होने की उम्मीद है। भारतीय एयरटेल ने मुंबई, दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता सहित 40 शहरों में सेवा शुरू करने के साथ घरेलू निगरानी व्यवसाय में प्रवेश किया है, कंपनी ने सोमवार को कहा। कंपनी पहले कैमरे के लिए प्रति वर्ष ₹999 और एड ऑन कैमरे के लिए ₹699 प्रति वर्ष एक मुश्त उत्पाद और स्थापना लागत के अलावा चार्ज करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी नियंत्रित लोन ऐप्स के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया है। बातचीत के दौरान संघीय एजेंसी ने पेटीएम सहित भुगतान गेटवे में रखे 46.67 करोड़ के फंड को भी फ्रीज कर दिया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक इन फंडों को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत फ्रीज किया गया है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इंक ने ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए कंपनी में 5,49,676 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया। ये शेयर ₹1,759.97 प्रति शेयर की औसत कीमत पर खरीदे गए। हालांकि हॉर्नबिल ऑर्किड इंडिया फंड ने कंपनी के 4,29,086 शेयर औसतन ₹1,760.01 प्रति शेयर के भाव पर बेचे।
आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।